आज का क्वेश्चन कवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 16x16 का एक क्विल्टेड पीस लिया है और प्रिंटेड पीस लिया है, ये प्रिंट जैसा आप देख रहे हैं तो। और इसमें बैक साइड में लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये ग्रे कलर का, इससे इसमें जो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिया है। तो ये कॉटन कपड़े में है दोनों चीज़, ये बैक साइड में लगेगा। और इसमें को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये पम पम वाले बटन बना रखे हैं, ये मैं आपको बता दूंगी अभी कैसे बनाना है। और ये 1/2 इंच की पट्टियाँ ली हैं, जो एक इस कपड़े की है और एक इसमें जो येलो फूल के बीच में दिखाई दे रहा है इसका मैचिंग का मैंने ये 1/2 इंच की एक पट्टी ली है। और इसी से मैच करती एक ज़िप ली है, ज़िप हमारी 13 इंच की है और एक रनर है, और साथ में थोड़ी सी पाइपिंग चौड़ी अलग से है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे बनाना है। ये नॉर्मल जो इस तरह से थर्मोकोल बॉल आती हैं बर्थडे वगैरह पर या क्राफ्ट वगैरह के लिए, उसी को मैंने लिया है यहाँ पर, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और थोड़ा सा धागा ले लेते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है, मेरा एक वीडियो भी है इस पर। और ये 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का स्क्वायर पीस है, इसमें बस थर्मोकोल बॉल को इस तरह से रखना है बीच में और इसको इस तरह से लपेट के और इसको टाइट से बांध देना है, खूब टाइट बांध करके और इसमें इस तरह से नॉट दे देना है। तो ये फंस जाएगा, खुलेगा नहीं, फिर हम बाद में सिलाई भी कर देंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया। इसी तरह से फिर एक बार बता दे रही हूँ, इसको इस तरह से लपेटना है, बीच में लाना है सेंटर में और यहाँ पर इसको धागे से टाई कर देना है और ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पीस है हमारे पास, इस पर हम मेजरमेंट करेंगे, किसी भी साइड से 3 इंच डाउन जाएंगे, इस तरह से पूरी एक लाइन खींच लेंगे 3 इंच डाउन पर और फिर इधर से ही 3 इंच पर यहाँ पर क्रॉस करते हुए एक दूसरी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये पूरी हमने एक लाइन खींच ली। अब पतली वाली पाइपिंग लेंगे ग्रे कलर की, इसको ये जो पीस है हमने पोंपों वाले बनाए हैं इसको यहाँ पर इस तरह से ये लाइन पर इस तरह से रखेंगे, इसका ये सिरा अंदर रहेगा और इस पर हम पाइपिंग रख करके सिलते जाएंगे। तो करीब 2 इंच के डिस्टेंस पे ये सारे पोंपों बटन जो हैं ये रखने हैं हमें। अब मैं बनाऊंगी, अब देखिए, और उसी लाइन पर ही हमें सिलाई करनी है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से पैक कर दिया। अब येलो पट्टी लेंगे जो 1/2 इंच की है, इसको भी हम हाफ करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे पूरी। और यहाँ पर इसको भी फोल्ड करते हुए जो ग्रे पट्टी है हमारी, इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर ये जो येलो कलर की पट्टी है इसको इसके अंदर रखते हुए यहाँ पर बहुत ही पतली सी हमें पाइपिंग जैसी ये लुकिंग आनी चाहिए। और पीली पट्टी को, येलो पट्टी को अंदर इस तरह से मुड़ते हुए रखते जाएंगे, इसको ऊपर से फोल्ड करके हम लगाते जाएंगे। और इसको हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया।
इसी तरह से अब ये जो हमने यहाँ पर 3 इंच पर लाइन खींची थी, सेम प्रोसीजर में इसको करेंगे। और इसको हमने सेम प्रोसीजर में इस तरह से तैयार कर लिया। और इस तरह से लगाते ही इस कपड़े की जो लुकिंग है प्रिंट के साथ, एक फ्रेम का लुक देती है और खूबसूरत लगती है। अब इसके बाद हम जिप लेंगे, रनर लेंगे, और जो पाइपिंग अलग से चौड़ी लिखवाई थी थोड़ी सी वो चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम 4 इंच की पाइपिंग कट कर लेते हैं और इसमें रनर डाल लेते हैं। और ये जो पाइपिंग कट की थी, अब इसको हम यहाँ पर इधर लगा देंगे और इधर लगा करके इसको 16 इंच की कंप्लीट कर लेंगे। इसको लगाने पर इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद इस पीस को लेंगे, जो क्रॉस वाला हिस्सा है यहाँ पर, इसको नीचे रखेंगे, जिप को ऊपर रखेंगे, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से सेंटर निकालते हुए इस जिप के सेंटर को मिलाकर सिल देंगे। तो ये पाइपिंग हमारी दोनों तरफ बराबर आ जाएगी। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर देंगे यहाँ से, साइड से, और फिनिशिंग दे देंगे। आज यहाँ मैंने लाइनिंग के लिए दुपट्टा यूज़ किया है। अब इसके बाद हम मेन पीस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इस जिप को इस कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से जिप लगाने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पर जिप अटैच कर दी। अब इसको पूरी जिप को इस तरह से पूरा पलट देंगे, क्विल्टेड पीस को यहाँ पर बराबर से ले आएंगे और इसको अब 3 साइड से हम पैक कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जिप को डाउन किया था तो ये कपड़ा इधर बढ़ गया है, इसको हम कट कर देंगे। और जो ये कपड़ा आप देख रहे हैं, कपड़ा मैं हमेशा बढ़ा के लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में बताना होता है। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसको हम खोलेंगे और सीधा करेंगे। और इस तरह से ये जो प्रिंट कपड़े होते हैं, नए कपड़े बच जाते हैं तो उनसे प्रिंट कपड़ों पर भी उनका मिक्स मैच पाइपिंग वगैरह लेकर के और इस तरह से डेकोरेट करके एक कुशन कवर तैयार किया जा सकता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने पूरा 2 का सेट बना दिया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।